भगवान, अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। परमात्मा भी याद दिलाते हैं कि सुखदेव ने 84 भुक्ति और बना पजावे खरवो, खरवाने गधा, पजावे होते हैं ऊंचे ऊंचे, ये कुम्हार लोग बनाते थे पहले पुजावा, उसके ऊपर ईंटे बनाते जाते, ऊपर बाहर मिट्टी, उस राख को दूर नहीं डाल सकते क्योंकि और स्थान नहीं था, उसी के ऊपर बनाते रहे तो बहुत ऊंचा हो जाता है। तो परमात्मा कहते हैं सुखदेव ने 84 भुगती, बना पजावे खरवो और तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू पेंडा पंथ पकड़ वो, तेरी क्या औकात है बोली आत्मा, तो ये रास्ता पकड़ जो मोक्ष मार्ग है, इस मनुष्य जीवन को नष्ट ना करे। अब यहाँ आदरणीय गरीबदास साहेब जी बता रहे हैं, परमात्मा कबीर जी की तरफ संकेत कर रहे हैं। नरसेती तू पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे, कहीं कुरडी चरने जाई। ओए पुणात्माओं, इन सत्संग के वचनों से ये अज्ञान का जामा बैठ गया हमारे हृदय में, इन परमात्मा के इन हथौड़ों से, इस तत्व ज्ञान से ये फूट जाएगा और फिर सपने में भी डर लगेगा आपको, जब आपके ये पाप कर्म को छट जाएंगे सत्संग के सुनने से, पाप गणे बट गए, इसलिए हमारा यकीन ना होता, जो संत बताते हैं साची होगी, क्योंकि संत साची ही कहा करते हैं। अब आज हम कितना सुंदर आहार करते हैं, और एक छोटे से काम बिना, परमात्मा के नाम बिना, काम करते करते भक्ति करो, चलते फिरते भक्ति करो, ये विधान है। हठ योग कहीं नहीं लिखा किसी सदग्रंथ में, ये हठ योग करते हैं सुबह शाम ढाई ढाई घंटे, ये अपना कर्म बिगाड़ रहे हैं। किसी भी सदग्रंथ में हठ योग करने का विधि नहीं है, अपना काम भी करो और राम भी भजो। नाम उठत नाम, बैठत नाम, सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते, नाम सेती लागवे। फिर क्या बताते हैं भगवान के अपने आत्मा, इस दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ, और अब वो पुरानी बातें याद घड़ी आने लगी जब ये ज्ञान समझ में आ गया। हमारे एक बैल था और उस बैल के पिछले खुरों में इतनी लंबी 1.5 इंच की कील घुस गई और पता लगा नहीं। आली उसको खेतों में ले गया, सारा दिन हल जोता, इतनी लंबी कील लग गई, सुबह वक्त से लेकर गया था, पैर में लंग घणी करे बैल, लेकिन रोका नहीं सारा दिन। किस दृष्टिकोण से नहीं रोका कि कई बार बैल के नस पे नस चढ़ जाती है, तो सलाह दिया करते थे उस समय से ये हकीम होया करते कि बैल को ऐसा कोई झटका वटका लग गया होगा जिस कारण से ये लंग कर रहा है, लंगड़ा हुआ है, तो इसको रोकना नहीं चाहिए, काम लेते रहना चाहिए, इसी से ठीक होगा, नहीं तो ये सुन हो जाएगा पैर। इस दृष्टिकोण से आली ने सारा दिन प्रयोग किया, उसको रोका नहीं, श्याम तक उसका पैर सोजस होगी, स्वेलिंग होगी, और घर पे आ गया जैसे तैसे 3 टांगों को रखता हुआ, और आते ही बैठ गया, ना कुछ चारा चरा, ना खाया पिया, कुछ भी नहीं, और उठा नहीं सुबह, उठाने लगे तब मुंह खोल लिया और गिर गया बुरी तरह, पैर सूज गया। ऐसे हकीम होया करते उस समय, कोई बुलाया, उसने देखा इसकी सोजस आ गई, ऊपर घुटनों तक, गोड्डे तक सूज गया पैर, सोजस होगी, तो उसने बताया कि इसके गोड्डे में बा आ गया, घुटने में बैल के कीला गिरी खुरों में, ट्रीटमेंट घुटने पर होना शुरू हो गया, मालिश करें, उसका पट्टी बांध दी। अब पहले तो वो अपला तो उन पाक रहा होगा जब मनुष्य था, उसने सोची भी ना होगी अब बिजली गिरेगी तेरे ऊपर, अब बोल कर बता नहीं सकता कहाँ दर्द है, क्या पीड़ा है, 1 महीने तक भुगता रहा, खावे पीवे कुछ नहीं, आंखों से पानी गिरे, 1 महीने के बाद फिर वो अपने आप पक के फूट गया रिस, उसमें से वो मवाद निकलना शुरू हुआ, जब ध्यान गया, अरे तेरे की ये तो यहाँ कोई डिफेक्ट है,
फिर दिखा किसी को, उसने साफ सूफ करके एक चिमटी सी तो देखो कील निकाली इतनी लंबी, तब राहत मिली उस प्राणी को। अब परमात्मा याद दिलाते हैं कबीर, जिव्या तो वा ए बली जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो ये मुख में भलो ना चामे। परमात्मा कहते हैं जीव तो वा ए बली जो भगवान का नाम से मन जाप करे, उसका गुणगान करे, नहीं तो इस चाम की कोई आवश्यकता नहीं, इस मुंह में इसने काट के फेंक दो इस अच्छा। तो पुणात्मा सत्साधना ना करने थे या जुबान छीन ली जाएगी हमारी, हम बोल के बता नहीं सकते। अब वो बातें दास का याद आन लगी जब परमात्मा का यू ज्ञान समझ में आया, ये आंखें खुल गई, रात की नींद गई, दिन की चैन समाप्त हो गया था। जब तक ये साधना नहीं मिली और मिलने के बाद फिर सिरदर की बाजी ला दी, समझा है तो सिरदर पाओ बहुर नहीं रे सादा। परमात्मा ने कहा है कि ये संसार समझदा ना ही कहंदा श्याम दोपहरे नू, और गरीब दास ये वक्त दाता रोगे इस पैरे नू, इस समय ने याद करके रोया करोगे। अके भगवान मनुष्य जीवन में जब भक्ति कर लेते, कुत्ते बन के ऊपर न मुँह कर कर होते, उनको कभी कभी प्रेरणा होती है, अके बुंडी बन गई हमारे साथ, रात्रि में सर्दी के समय ऊपर से वर्षा हो रही है और वो एसी रूम में रहने वाला आज धूम लगवा के और गली में विराजमान है, एक भक्ति ना करने से। और फिर न्यू करे ऊपर न मुकुर को देखे बुंडी बनी उसको, कि आत्मा तो वही है जो मनुष्य शरीर में थी, सारी महसूस करते हैं वो। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं अच्छे दिन पाछे गए गुरु से किया ना हेत, अब पिस्तावा के करे बिरा चिड़िया चुगी खेत। यानी मनुष्य जीवन रहते ये ज्ञान याद आ जाता है, पता लग जाता है तो कुछ भी ना बिगड़ा, और वह बिरन माटी हुए पाछे फिर रोए जाओ ऊपर न हो करके। गरीब दास ये वक्त जात है, मनुष्य जीवन का समय जाता है, रोगे इस पैरे लू, इस समय न रोया करोगे जब सत भक्ति नहीं करी। और भक्ति कर रहे हैं नकलियों के पास वो भी रोएंगे, क्योंकि वो यूजलेस है, कोई मंत्र नहीं, कोई साधना नहीं, कोई ज्ञान नहीं उनका, तो वह भी बात बिगड़ रही है। पुण्यात्मा काल ने घना जुलम करवा रखा है आपके साथ। परमात्मा की चाह आत्मा को बहुत युगों से है, जब से परमात्मा से बिछुड़ी है, लेकिन काल ने अपने ये दूत छोड़ रखे हैं कि ये मिसगाइड रखे, परमात्मा तक ना जाने दे, और ही कई साधनाओं में उलझाए रखे। ये तो दयालु आते हैं, अपने समर्थता से हमें इस मार्ग को याद दिलाते हैं और इस पर दृढ़ करते हैं। ना काल इस पर उन्हें ना दे, सौ मन में खरपतवार पैदा कर देता जब सत्ज्ञान सुनता है, और जब अज्ञान सुना करते नो आराम से बैठे रहा करते, जो भी कोई कहता सारी साची, अरब सत शुरू होती है तो ये झूठी लगती है, क्योंकि हमने अज्ञान गणा सुन रखे। अब साधना करते हैं तो गलत करते हैं, क्या बताते हैं परमात्मा, प्रेत शिला पे जा बिराजे पितरों पिंड भराई, बोर श्राद्ध खान को आए ये काग भये कलमाही। परमात्मा कहते हैं प्रेत शिला पे जा बिराजे भूत बन गए भूत, ये गलत साधना करके, और फिर पितरों पिंड भराई, फिर पिंड बरवाए, और बोर सराद खान को आए काग भय कलमाई। अपने आत्माओं ये सरहद निकालते हैं, ये कहां से लिया इन्होंने ये जुगाड़, जबकि वेदों में मना है कि सराद नहीं निकालने चाहिए, ये भूत पूजाएं हैं, भूत पूजोगे तो भूत बनोगे। गीता जी अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में कहा कि भूत पूजने वाले भूतों को प्राप्त होंगे, पितरों की पूजा करने वाले पितर बन जाएंगे, देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं के पास जाकर उनके नौकर लगेंगे, और मेरी पूजा करोगे मुझे प्राप्त होगे। तो गीता जी में तो मना किया कि पितर पूजा भूत पूजा ये तेरवी करनी, अस्थि उठानी गति कराने के लिए गंगा में डाल के आनी, ये सारी शास्त्र विरुद्ध साधना है, वेद विरुद्ध साधना है, ये नहीं करनी चाहिए। अरे हमारे धर्म गुरु इन नवगा टजुड़वा रहे हमारा कि श्राद्ध निकालो तेरवी करो। अपना आत्मा परमात्मा कहा करते रे भोड़ी सी दुनिया
सत गुरु बिन कैसे सरिया रे भोली सी दुनिया, सत गुरु बिन कैसे सरिया। अपने लला के बाल उतरवा वे देख के चीना लग जइया। एक बुढ़िया लेके जागी अपने पोते या पोती ने, कहां गुड़गांव में आली पे अपने इष्ट धाम पर ले जाते हैं जानवर भी, और वहां नाई बैठा होता है और अज्ञानी धर्म गुरुओं ने हमारे को ये सलाह दे रखी है कि पहले बाल बच्चे के अपने माता के ऊपर उतरवाने चाहिए इष्ट धाम पे। अब वह बुढ़िया जाती है पोता पोती ने लेकर साथ में पुत्र वधु, और वहां नाई बैठा होता है, उसको जाकर के वह बुढ़िया कहती है कि रे नाई के भाई मेरे पोते के बाल काट दे। अब बाहर अगर 5 रुपया में काटता होगा ना नाई, उस इष्ट दाम पर 10 रुपये लेगा डबल। अब पता है इसने मेरे बिना कोई काटनिया नहीं, इसके डबल तो लेगा। और फिर बुढ़िया न्यू कहेगी भाई काट दे जल्दी सी मोटे मोटे, और न्यू कहेगी अरे भाई नाई के ध्यान रखिए मेरे पोते का कच्चा सिर है, कदे इसका कैंची ना लग जा, धीरे धीरे देख धीरे धीरे भाई। अब परमात्मा कहते हैं अपने लला के बाल उतरवावे, अरे इतनी चिंता कि कदे कैंची ना लग जाइया, अरे एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटिया रे भोली सी दुनिया, वो भी तो किसी का बच्चा था जो तो बलि चढ़ाने जा रही है, और अपने बच्चे का इतना दर्द कैंची भी ना छू जा। परमात्मा कहा करते जैसा दर्द आपने हो ऐसा जान बिराने। अब फिर वो बाल लेकर बुढ़िया क्या करेगी, उसमें मंदिर में चढ़ावेगी भगवान की मूर्ति पे, और वो बूढ़ा पुजारी बैठा होता है वो उसी से में उठा के उनने और एक थैले में गाल देगा बोरी में, और जब वह बोरी भर जाएगी सामने उसने उठा के कुरडिया पे फेंका होगा, और कौन सा बैंक में जमा करा होगा उसने, और उसने बाहर फेंकने उठा के ना। तो परमात्मा कहते तुम यही कटाओ इन्हें यही फेंक दो, इसका कोई यूज नहीं, मूर्ख बना रखे तुम्हारे धंधा खोल रहे हैं लोग। अपने लला के बाल उतरवा वे देख कैंची ना लग जइया, एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटिया रे भोड़ी सी दुनिया, सत गुरु बिन कैसे सरिया रे भोड़ी सी दुनिया, सत गुरु बिन कैसे सरिया। कच्चा पक्का भोजन बनावे फिर माता धोकने गईया, कच्चा पक्का भोजन बना के फिर माता धोकने गईया, उस माता ऊपर कुत्ता मुते वो क्यों ना मर गईया रे भोड़ी सी दुनिया, गुरु बिन कैसे सरिया रे भोड़ी सी दुनिया, गुरु बिन कैसे सरिया। अब हमारी दादी जी माता तो कोया करती मारे थे, हमारी काकी ताइयों से माताओं से कहती ए पौधे मोटे मोटे गुड़ के वह रोट, अब वो थोड़ी देर करती ने वो दर्दे ने काची पाकि, उन्हें पता था कुत्तिया ने खाने और कुछ माता उड़ा जिमेगी। और वहां एक माता इतने 2-2.5 फुट की उसकी हाइट उसके महल की, वह मंडी बना रखी होती है अरे एक चबूतरा सा, और वो बुढ़िया तो ऊपर चढ़ा कर वह तो डाल के उसका आगे परौंठे पूरे वापस नीचे उतरने से पहले 3-4 कुत्ते चढ़ जाएंगे उसके ऊपर। पहले तो उस बाता के उस भोजन ने खाएंगे, और चलते समय उसकी चोटी में धार मार खाओगे। अब परमात्मा नू कहा करते कि जय वह माता जिसने तो धोकन गई उसे प्रोटेक्शन की, क्योंकि पूजा तो न्यू करा ना कुछ बचाव करे हमारा, उसके आप शर्म कुत्ते मुते तो वह तेरा बचाव क्या करेगी बुढ़िया। अब परमात्मा क्या बताया करते आप लिपे आप पोते अरे आप बनावे ओई, और उस पर बुढ़िया फिर पोते मांगे, देख अकल कहां से खोई। एक ओई माता देखी हमने पूजती, एक औरत क्या चित्र बना लेती थी दीवार पर आप पे बनाती, और फिर उसका अगर जोत जात ला के अन्यो कहे हे ओई माता बहू के पोता दिए पुत्र दिए दूध पूत में खैर रखिए
है, इसलिए तेरी पूजा करूं। परमात्मा कहे आप तो वह माता बनाई, आप लिप आप पोत आप बनावे ओई, और उस पर बुढ़िया पोते मांगे, देखा कलकड़े तक होई। तेरा गजब भाई, परमात्मा क्या याद दिलाते हैं कि जाटी पूजे पीपल पूजे, और सिर तुलसा के हो और दूध पूत में खैर राखिए, न्यो पूजो हो तो जंडी पूजे और पीपल में पानी चढ़ावे, और फिर तुलसी माता ने पूजे, और उनको किस लिए पूज रही हूं कि मेरे दूध पूत में खैर राखिए। बता अकल देखो हमारी, ये हमारे धर्म गुरुओं की गाइडलाइन थी हमारे को, ये शास्त्र विधि तक मन मान्य साधना करवा के सारे भूत बनवा दिए। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, जीवित बाप के लठम लठा और मुए गंग पुचैया, और जब आवे आसुज का महीना, और वो कौवा बाप बनिया रे बोली सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। जैसे जीवित बाप के साथ तो खेचा तानी रखे निकम्मी आत्मा है, और मरने के बाद फिर उसकी गति के लिए चलेंगे कहां से। देखो पुणात्माओं, ये हमारे धर्म गुरु कहां से गति कराण लगते हैं मृत्यु के उपरांत। पहले तो यूं कहेंगे इसी अस्थि उठाओ और गंगा में प्रवाह कराओ, इसकी गति हो जाएगी। अच्छा क्या करते हैं, एक व्यक्ति नाम ना लिया कर ले हुआ था, उसकी पत्नी ने नाम ले रखा था, और वो वैसे उसका अपनी पत्नी को मना नहीं करता था, ज्ञान से बहुत कुछ परिचित भी था, लेकिन उसके सामने एक वादा थी कि मेरा पिताजी की मृत्यु होगी और मैं यदि गंगा में अस्थि नहीं डालकर आया तो फिर मेरी आत्मा नहीं मानेगी, तो मैं इसलिए नाम नहीं लूं। एक दिन वो बता रही थी उसकी पत्नी के मेरे तायसरे की मृत्यु होगी, यानी उसके ताऊ की, और वो लेकर गए उसकी अस्थियों को गंगा घाट पे, वहां बैठे वो पांडे, और वहां इन्होंने अपने अक्षेत्र बांट रखे हैं कि ये मेरे अक्षेत्र का, ये मेरे अक्षेत्र का। जाते ही पूछ लेते कहां से आए जी, वो बता दिया जी ऐसे ऐसे सोनीपत से आए। अच्छा अच्छा आज तुम हमारे हो, हमारे हो, वो पकड़ लेंगे। तो वहां जाकर उसने देखा, खोल कर पिछला सारा इतिहास बता देते हैं। तो क्या बोले वह, न बोले यजमान इब कद बहुत दिन माए रे तेरा गजब भैयो। अब उन्हों कह रही थी कि वो बतावा था उसका पति के मेरा माथा ठनका के दुश्मन तेनों बाट देखा हम रोज मरा, इन्हों कहा इब कद बहुत दिन माए गति कराण। तो वो कहने लगा उसके बाद मेरा वहां से मन हट गया कि वो तो हमारी सारा दिन जो है ना ये कुसोण मनावे है। अपने आत्माओं की गति करवा दी के गंगा में अस्थि डलवा दी, होगी गति। फिर कहें तेरहवीं करो, तेरहवीं किस लिए कि गति कराण खातिर, अच्छा वह तेरहवीं भी कर दी। फिर कहें अब इसके सरहद निकालो, पहले प्रत्येक महीने किया करते, फिर छठे महीने और बुड्ढा व्यवस्था करते थे, और फिर एक वर्ष के बाद वो कंप्लीशन होता था, उसका समापन करते थे, एक साल में पूरे वर्ष लगे रहते थे गति कराण। और फिर क्या करते हैं, परमात्मा कहते हैं प्रेत शिला पैजा बिराजे पितरों पिंड भराई, फिर पिंड भरवा दो, पितरों की मुक्ति हो जाएगी। और परमात्मा क्या कहते हैं, जीवित बाप के लठम लठा हर मुए गंग पुचैया, और जब आया आसुज का महीना कौवा बाप बनैया रे बोली सी दुनिया। अब फिर आगे श्राद्ध के समय आसुज का महीना, तो जिस तिथि को कोई घर का सदस्य मृत्यु को प्राप्त होता है तो हमारे धर्म गुरु वो तिथि नोट कर लेते हैं। आसोज के महीने में अमावस्या से लेकर पूर्णमासी तक उस किसी भी तिथि को मृत्यु होती है तो उस दिन विशेष कार्यक्रम करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, और सबसे पहले क्या करते हैं वो बनाकर भोजन ऊपर रखते हैं छत पे, और उसी समय कौवे आकर खा जाते हैं। तो वो क्या कहते हैं हमारे धर्मगुरु, देखो भोग लग गए तेरे पिताजी,
हो सकता कौआ बन रहे हो, अरे भले आदमी हो, गति करण लागे थे कौआ बना के छोड़ दिया। ये है इनके साधन। अब परमात्मा कहते हैं प्रेत सला पैजा विराजे पितरो पिंड भराई और बहुत सरहद खान को आए काग बने कलमाई। आगे क्या बताते हैं, जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। अब क्या बताते हैं, जय सतगुरु की संगत करते सतगुरु मिल जाते तो ये सारे कर्मों तो पीछा छूट जाता, ना श्राद्ध निकालने, ना भूत बनना, ना कौवे और पशु की योनियों में जाना। और फिर क्या होता, अमरपुरी पर, अमरपुरी जिस स्थान का कभी नाश ना हो, सतलोक सनातन परम धाम की प्राप्ति हो जा, जय सतगुरु मिल जा तो और ये झंझट मिट जा सारे। और ये हमारे गुरुजी धर्म गुरु ने कहा श्राद्ध तो वैसे निकालना चाहिए, इन्हें तो हमारे कर्म बिगड़वाने का ठेका ले रखा था। पुण्यात्माओं, पवित्र हिंदू धर्म के जो सदग्रंथ हैं, पवित्र चारों वेद और पवित्र श्रीमद् भगवद गीता और पांचवा वेद जो परमात्मा कबीर जी की वाणी जो उनके मुख कमल से बोला गया, उसमें कंप्लीट ज्ञान है सभी सदग्रंथों का सारांश है। वो तो इनके हाथ नहीं लगा क्योंकि संस्कृत के ज्ञाताओं ने वो तो रिजेक्ट कर रखा था, कबीर साहब की वाणी तो एक अशिक्षित की वाणी है, इस करके वो हमारे तक नहीं आने दिया। तो इनमें जो पुराण है, ये पुराण क्या चीज है, गीता और वेद, ये चारों वेद, उन चारों वेदों का सारांश श्रीमद् भगवत गीता। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में कुछ अटकल युद्ध कराने के लिए इस काल भगवान ने लगाई है, वो अलग से दिखाई देती है, और जो वेदों से मेल खाता वो गीता जी का ज्ञान खरा है, बिल्कुल सत्य है। तो हमने, क्योंकि वो वेद ज्ञान गॉड गिवन है, परमात्मा का दिया हुआ है, तो हमने परमात्मा के आदेश का पालन करना है। और पुराण क्या है, ये ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया ज्ञान, ब्रह्मा जी से सुना, फिर कुछ अन्य ऋषियों ने किसी और से सुना हुआ ज्ञान, वो सब खिचड़ी बना के पुराण बना दी। अब वेदों में इन श्राद्ध आदि कर्म कांड का निषेध है, और गीता जी में निषेध 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में स्पष्ट किया है, भूत पूजने वाले भूत बनेंगे। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है, अध्याय नंबर 9 का ये है, अध्याय नंबर 9 श्रीमद् भगवद गीता श्लोक नंबर 25। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं। अब ये श्राद्ध कितना आगे, फिर अब आपको दिखाते हैं झलक पुराणों में क्या लिखा है। एक मार्कंडे पुराण है, एक रुचि नाम के ब्राह्मण थे ऋषि, और उसने वेदों को समझा पढ़ा कि मनुष्य जीवन, ये ज्ञानी आत्मा थे, कि मनुष्य जीवन केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए प्राप्त होता है, इसलिए उसने ना तो विवाह कराया, ब्रह्मचारी पद पर रहते हुए 40 वर्ष की उम्र होगी थी और अपना जंगल में वन में रहता था, कोई मकान झोंपड़ी भी नहीं डाल रखी थी, ये सोच करके मोक्ष प्राप्ति करानी है और ना क्या संग्रह करना है, 2 दिन का जीवन है। अब वो वेदों अनुसार साधना कर रहा था रुचि ऋषि, और उसके जो पिताजी दादाजी परदादाजी चौथा दादाजी वो मर चुके थे, वह भूत बन रहे थे, और वह भी ऋषि थे, ब्राह्मण थे, उनने भी ये कर्मकांड करे और करवाए थे तो भूता बनेंगे वह, तो वो चारों दिखाई दिए और कहा बेटा तूने विवाह क्यों नहीं करवाया, विवाह करवा के तुम हमारा श्राद्ध करता है और हमारी गति हो जाती। अब रुचि कहने लगा कि पितामह हो, वेद में तो ये मना कर रखा है,
ये श्राद्ध श्रोत निकालना, ये कर्मकांड करना, ये तो मूर्खों का मार्ग है। और वो पितर भी कहते हैं बेटा है तो ऐसा ही, इसमें कोई संदेह नहीं, मिथ्या नहीं है, सच्चाई है, लेकिन हमारा क्या होगा, इब तुम बाढ़ में जाओ थारा क्या होगा, आप मरे अरे पुत्र और मरवाने के लिए तैयार करे। या देखो मार्कंडे पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, ये 242 पृष्ठ पे संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण रोच्य मुनि की उत्पत्ति कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं कि ब्राह्मण पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे, उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे, उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी न अपने लिए घर ही बना रखा था, वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे, उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनिवर्ती में रहते देख उनके पितरों ने उनसे कहा। ये देखिए चारों आगे भूत बन रहे, ये देखो ये रुचि ऋषि है, ये इनके पहले बने हुए वो पंडित जी सारे भूत, भूत पूज का भूत बन गए, अब ये दिख गए इसने सारे कट्ठे। पितर बोले बेटा विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है, ये तो इन पितरों के वचन हैं, ये तो पितरों के वचन है जो अपनी सलाह दे रहे हैं, अब देखना उसे तुमने क्यों नहीं किया। ग्रस्त पुरुष समस्त देवताओं पितरों ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है, वह सभा के उच्चारण से देवताओं को सबधा शब्द से पितरों को तथा अन्नदान बलि वैष्णदेव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करता है। बेटा हम ऐसा मानते हैं कि ग्रस्त आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में क्लेश पर क्लेश उठाना पड़ेगा तथा मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी क्लेश ही भोगना पड़ेगा। रुचि ने कहा पितरगण परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है तथा उसे मनुष्य की अधोगति होती है, उससे मनुष्य की अधोगति होती है, यही सोचकर मैंने पहले सित्री संग्रह नहीं किया। अब यहाँ देखो पितर बोले बेटा जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित है, किंतु तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह मोक्ष मार्ग है। बता इसने तो घटिया मान रहे मोक्ष मार्ग ने कि तुम जो कर्म कर रहे हो जिस मार्ग पर चले तो मोक्ष मार्ग है। अरे हम बतावांगे पितर बंध का मार्ग। देखिए रुचि ने पूछा पितामहो वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है, जो तुम सलाह दे रहे हो वो कर्म कांड श्राद्ध श्रोध निकालना पितर पूजना वो तो मूर्खों का मूर्खों की विद्या अविद्या का है, मूर्खों का सलाह कही है, फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हैं। पितर भी कहते हैं पितर बोले यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं, फिर थारा सिर बच गया फिर के रह गया, बता भाई ये हमारे पुराणों में लिखा है। अब इस बात को पितर भी मानते हैं कि आप जो साधना करें तो मोक्ष मार्ग है और आप फिर उसको सलाह दे रहे हैं भूत पूज श्राद्ध निकाल ब्याह करवा, अरे यो नरक मार्ग है, और आप भी मानते हैं कि आप जो मार्ग अपना रहे हो तो मोक्ष मार्ग है, और रुचि कहता है वेद के अंदर तो इसको अविद्या मूर्खों की साधना बताई है, तो पितर भूत पूजना श्राद्ध निकालना, हर पितर स्वीकार भी कर रहे हैं कहा ऐसा ही है इसमें कोई मिथ्या नहीं, फिर ये बकवाद गढ़ रखी अग्रुम उग्रुम ऐसा कर लो पितर ऐसा कर देते हैं पितर पुत्र दे देते हैं टट्टू दे देते हैं आप भूखे मरे बतावे हम मूर्ख बना रखे। एक थोड़ी सी झलक दिखाते हैं आपको इसी मार्कंडेय पुराण में इन कहां से ले रखे ये श्राद्धा के सिलसिले। एक मंदालसा नाम की औरत थी, उसने अपने पुत्र को शिक्षा दी, हरुआ ये ले रहे हैं देख मार्कंडेय पुराण के अंदर है, यही आपको सुना रहे हैं। अब इसके 80 पृष्ठ पर दिखाते हैं आपको, ये काशी पृष्ठ से थोड़ा सा लेंगे
मंदालसा बोली, मंदालसा बोली महाराज, ये मंदालसा ज्ञान देती व्यारी है, ये 82 पृष्ठ पे संक्षिप्त मार्कंडे पुराण यहां देखिए। अब ये क्या सलारे दे रही है कि जो पितर देवलोक में है और जो त्रिकयोनियों में ये पशु पक्षी बने हुए हैं और जो मनुष्य योनियों में एवं भूत वर्ग में स्थित हैं, भूत बन रहे हैं, और वे पुण्यात्मा हो या पापात्मा, जब भूख प्यास से विकल होते हैं तो वे अपने कर्मों में लगा हुआ मनुष्य पिंड दान तथा जल दान के द्वारा उन्हें तृप्त करता है। इसी तरह वह देवताओं और अतिथियों को भी संतुष्ट रखता है। देवता, मनुष्य, पितर, भूत, प्रेत, गुहक पक्षी, कृमि और कीट आदि भी मनुष्यों से ही जीविका चलाते हैं। अब ये क्या बता रही है कि चाहे तो वो जो पितर देवलोक में है, जो त्रिक योनियों में पड़े हैं, और जो मनुष्य योनियों में यानी भूतादि पितर पैतर बन रहे हैं, वे पुण्यात्मा हों या पापात्मा, सब भूखे प्यासे मरते रहते हैं। तो वो टट्टू देवलोक में हुए, भूखे मरते प्यासे मरे। अब क्या बताते हैं आगे, ये देखिएगा यहाँ क्या बताया है, 92 पृष्ठ पर संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण 92 पृष्ठ पे, इनमें से जो नरक में निवास करते हैं, जो पशु पक्षी की योनियों में पड़े हैं तथा जो भूत प्रेत आदि के रूप में स्थित हैं, उन सब को विधि पूर्वक श्राद्ध करने वाला यजमान तृप्त करता है। कैसे करता, सुनो, मनुष्य पृथ्वी पर जो अन्न बिखेरते हैं उनसे पिशाच योनि में पड़े पितरों की तृप्ति होती है, जो जमीन पर दाने डाल देते हैं। बेटा, स्नान के वस्त्र से जो जल पृथ्वी पर टपकता है उससे वृक्ष योनि में पड़े हुए पितर तृप्त होते हैं। जो रूख वृक्ष बन गए, उन निन्नों का नाक जो वस्त्र ने छोड़ दिए ना, वो वृक्ष योनि में पड़े हुए तृप्त हो जाएंगे। अरे भले आदमियों, एक बार क्या था, परमात्मा कबीर जी काशी में गंगा घाट पर चले गए, गंगा का एक घाट बना हुआ है, वहां पर ये ब्राह्मण लोग सूर्य को यानी ऐसे सूर्य की तरफ मुंह करके गंगा से जल उठावें और वहीं डाल दें। कबीर साहब बढ़कर उसमें गंगा में घुटनों पानी में और ऐसे नौकरन लगे गंगा के जल को, पटरी पर फेंक रहे पूरी स्पीड तक। अब वो सारे पंडित जी अपना काम छोड़ कर कबीर साहब की ओर देखने लगे, कहने लगे वो कबीर ये क्या कर रहा तू। कबीर जी बोले आप क्या कर रहे हो, मैंने ना पूछा, तुम क्यों पूछ रहे हो मेरे से, पहले आप बताओ आप क्या कर रहे हो। कि हम अपने पितरों को स्वर्ग में जल भेज रहे हैं, ये हम यहां जल डाल रहे हैं ना, ऐसे मंत्र बोलकर ऐसे सूर्य की तरफ मुकर के, ये वहां स्वर्ग में हमारे भूखे पैसे पितरों को जल प्राप्त होगा। परमात्मा बोला मैंने एक बगीची लगा रखी अपनी झोपड़ी के आगे और मैं उस बगीची को सींच रहा हूं, फिर मंडगे करड़े हो गए। तो वो कहने लगे रे बोले आदमी इतनी दूर कैसे जाएगा जल, ये तो यहीं पड़ा है, वो तेरी झोपड़ी के आगे बगीची जो छोटी सी लगा रखी वो कैसे सिंचाई होगी इससे, कि एक लाखों किलोमीटर दूर, मील दूर तुम्हारे पितरों को स्वर्ग में ये पानी मिल सकता है, तो ये 2 किलोमीटर पर क्या दिक्कत आएगी इसको। तो उनकी चौंध टूट गई, पंडित जिया ने फिर अपना गलती स्वीकार की, मालिक की शरण ग्रहण करी। अपने आत्माओं वही यहां ये सिस्टम है, देखो अब देखो इनके आगे फिर मार्कंडेय पुराण हम पढ़ रहे हैं 92 पृष्ठ पे 92 पे। उससे वृक्ष योनि में पड़े हुए पितर तृप्त होते हैं। अच्छा, वृक्ष तो है इतना बड़ा और पानी ने चोड़ा कपड़े का उड़ा गंगा के किनारे, बताओ वृक्ष कैसे तृप्त होगा, उसमें तो बाल्टी भर भर गिरनी पड़ेगी, देखिए से मूर्ख बना रखे हैं। देखो, और नहाने पर अपने शरीर से जो जल के कण इस पृथ्वी पर गिरते हैं उनसे उन पितरों की तृप्ति होती है जो देव भाव को प्राप्त हो रहे हैं। देखो इनकी अकल, कहते नहाने के बाद जो छीटे छाटे पृथ्वी पर पड़ते हैं ना,
वो जो देवता बन गए उन पितरों की तृप्ति होती है, वो टट्टू देवता बन गए जब इसे पानी तो छकेंगे उड़ा हुआ तेरा अकल बना मार रखी मारी, देखो तेरा देखो। नाने पर अपने शरीर से जल के कण इस पृथ्वी पर गिरते हैं ना, उनसे उन पितरों की तृप्ति होती है जो देव भाव को प्राप्त हुए हैं, जो देवता बन रहे हैं। और पिंडों के उठाने से वो पिंड बरवाते हैं, अन्न के कण पृथ्वी पर गिरते हैं ना, उनसे पशु पक्षी योनियों में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। बता वो पशु योनि में कितना भैंस बनकर खड़ी होगी उनकी, वह माई या दादी ताई काकी है, और उड़ वह कण गिरे पृथ्वी पर कीता है, वह भैंस तो उड़े एक टोकरा ना भूस खावा डेली, एक कण ते क्यों कर छकेगी वह है तेरा कैसे भाई। देखी से मूर्ख बना रखा। कुल में बालक जो श्राद्ध कर्म योग्य होकर संस्कार से वंचित रह गए, यानी बचपन में मर गए श्राद्ध करे नहीं, तो वे बिखरे हुए अन्न और समार्जन के जल को ग्रहण करते हैं। ब्राह्मण लोग भोजन करने के बाद आत्मो धोते हैं और चरणों का प्रक्षालन करते हैं, तो उस जल से भी अनन्य पितरों की तृप्ति होती है। बेटा उत्तम विधि से श्राद्ध करने वाले पुरुषों के अन्य पितर यदि दूसरी दूसरी योनियों में चले गए हों तो भी श्राद्ध से उन्हें बड़ी तृप्ति होती है। अनन्य उपार्जित धन से जो श्राद्ध किया जाता है उससे चंडाल आदि योनियों में पड़े पितर तृप्त होते हैं। अब जो भूत प्रेत पितर कित वृक्ष बन गए, कोई भैंस बना खड़ा है, कित कोई काटड़ा बन रहा है, इन्हों के वह भी तृप्त होंगे। वह थोड़े छक्के दो दो दड़ी खाओ एक कब है जब पेट भर है। एक बार आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी में हुए जिनको परमात्मा मिले थे और सचखंड ले जाकर वापस छोड़ा था, उन्होंने फिर ये ज्ञान दिया। एक उनका शिष्य था किसान और वो गरीबदास साहिब जी के पास बहुत समय बैठता था, प्रतिदिन सत्संग सुनता था, दिन में विचार सुनते रहते थे बैठ जाते थे। तो वो एक दिन नहीं आया, गरीबदास जी ने पूछा भाई कल क्यों नहीं आया। अगले दिन जब वो पहुंचा उसने बताया कि महाराज जी कल मेरी माँ का श्राद्ध था और हमारे गुरु जी वो पंडित जी आए थे, उन्होंने श्राद्ध श्रुत निकाला, उसमें सारा दिन बिजी रहा मैं। कहा अच्छा भाई। फिर कहने लगा जी कल भी नहीं आन पाऊंगा मैं। पर गरीबदास जी ने पूछा कल क्या बात है। कि कल मेरे पिताजी का श्राद्ध है। अच्छा परमात्मा पहले भी बहुत समझाते थे गरीबदास साहब जी, लेकिन हमारी बुद्धि इतना काम नहीं करती, हम संसार के व्यवहार को घड़ा महत्व तो देते हैं। तो गरीबदास जी ने कहा भी एक काम करना बेटा, जब तेरे पिता का श्राद्ध निकाल ले तुम्हारे वो ब्राह्मण जी, उसके बाद दो व्यक्तियों का खाना ले आना यहाँ पर। अब उस व्यक्ति ने सोचा गुरुजी अपने लिए मंगाते होंगे, जब उनके गुरुजी ने सारा काम कर लिया तैयारी, उसने सब लगा दिया भोग भाग कौवे कौवे छका दिए, तो बाद में बचे हुए दो मनुष्यों का खाना लेकर के वो गरीबदास जी के मकान में आ गया। गरीबदास जी भी गृहस्थी थे, बाल बच्चेदार थे, किसान थे, लेकिन परमात्मा से परिचित हो चुके थे, तत्व ज्ञान से परिचित थे। उनका खेत था, उस भगत का ही खेत था, उसमें एक जोड़ी थी, छोटा सा तालाब जिसको लेट बोले। और व्यक्ति लेकर आ गया दो मनुष्यों का भोजन। गरीबदास जी कहने लगे आजा मेरे पीछे पीछे। अब उस व्यक्ति ने सोचा खेतों में कोई साधु संत आए होंगे, इनसे मिलने आते रहते हैं। वहां जाकर उस लेट से उस जोहड़ से 1 किलोमीटर दूर उस खेतों में जो तालाब होते थे छोटे छोटे, पशुओं के पानी के लिए उसमें स्टोर कर लेते थे जल, तो उनके चारों तरफ झुंड खड़े हो जाते थे झाड़ बोझड़े, कांटेदार झाड़ियों के गुच्छे से बन जाते थे। उससे 100-200 फुट दूरी पर बैठ के गरीबदास जी भी वो लड़का व्यक्ति बैठा लिया और वहां कहा आवाज लगाई उसके माता और पिता का नाम लेकर और उनसे कहा कि आ जाओ तुम्हारा पुत्र भोजन ले आए। उसमें से एक गीदड़ और गीदड़ी निकल कर आए और वहां आकर खड़े हो गए। और लीला थी गरीबदास साहिब जी की और कहा बेटा ये तेरी मां, ये तेरा बाबू, ये तेरा पिताजी, इन्हें खिला भोजन। वो दर दिया खोल कर उसने। अब वो छक गए दोनों, एक मिनट खा गए फटाफट और खा गए भाग गए।
अब गरीबदास जी बोले कि तुम्हारे गुरुजी क्या कह रहे थे कि एक दिन के भोजन खिलाने से और एक वर्ष तक तुम्हारे पिताजी पितर जो जिस भी योनि में है वो तृप्त रहेंगे। हाँ जी ऐसे कह रहे थे, ये दोनों भूखे मरे थे, देखा गए सारे ने, और भोगते भी ला के आए हो तुम्हें। हाँ जी उस दिन पीछे कान पकड़ लिया के जी बाढ़ में जाओ या ये तो बकवाद है सारी, तो छोड़ दी सारी वो लोक वेद और दंत कथा, मनमाना आचरण उस प्यारी आत्मा ने। तो पुण्यात्माओं परमात्मा कहा करते थे कि तुम एक दिन तो आहार करा देते हो, मान लीजिए तुम्हारी बात बड़ी करें, और तुम्हारे पिताजी या माताजी जब जीवित थे दिन में दो दो बार तो पक्का रोटी खाते थे। अरे 300 तुम कहो एक दिन के खाने से 364 दिन कोई जरूरत नहीं, ये कोई संभव बात है तुम्हारी? एक दिन तुमने भोग लगा दिया 364 दिन क्या खाएंगे वो? मान लीजिए तुम्हारे पिता काग बन गए कौवे, तो रोज भोग ला दो उनका, दो रोटी तोड़ के ऊपर रोज फेंक दो ताकि उनका पेट भरा रहे। 301 दिन ये फंड करने तक कोई फायदा नहीं। कहने का भाव यह है कि वो तो जो बन चुके बन चुके। अब पुण्यात्माओं जब हम सत भक्ति करेंगे और इस साधना के करने से आपके जो पितर भूत प्रेत आदि बने हुए हैं और चाहे वो किसी योनि में है ये पितर वाली सिस्टम में, तो उनकी भी मोक्ष हो जाएगा आपकी भक्ति करने से। अपने आत्माओं ये सत्कर मान लेना, ये दास आपको समय अनुसार सब क्रियाएं बताएगा, इन एडवांस करने से आप अपना क्रम बिगाड़ बैठोगे। आप अपनी भक्ति करते रहो और समय आने पर ये सब आपके पितर वगैरह भी इस साधना से ही इनकी मुक्ति हो जाएगी। अब क्या होता है, जैसे इन्हीं पुराणों में लिखा है कि 1000 ब्राह्मण भोजन कर रहे हों, जैसे इन्होंने पितरों की और भूतों की श्राद्ध की वो विधि बता रखी है, पितरों के लिए भोजन कराओ ब्राह्मणों को तो ऑड नंबर में हो, 2 जैसे 1 3 7 यानी 5 7 ऐसे हो और बाकी इवन नंबर में हो, ऐसे ऐसी संख्या में जमाने चाहिए। और विष्णु पुराण में लिखा है कि 1000 ब्राह्मण जिमते हो भोजन कर रहे हो और उनके सामने एक योगी, योगी माने भगत, सच्चा भगत, सत्साधक, सत साधना करने वाला परम अक्षर परमात्मा का जो साधक है वो वास्तव में भगत योगी होता है। योगी का अर्थ ये नहीं ये पेट का पानी हला के दिखा दे और आसन उसन कर रहा हो ना, ये योगी नहीं, ये तो एक वो है अपनी समझ लो ये प्राकृतिक चिकित्सक कह सकते हैं, वो योगी है। योगी का अर्थ होता भक्त, परमात्मा से मिलने की जो कोशिश कर रहा है वो योगी है, भक्त यानी सच्चा साधक। ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, इसके अनुवादक हैं मुनिलाल गुप्त, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये है अध्याय 16 और तृतीय अंश और प्रश्न नंबर 213 पर, यहाँ पर लिखा है हे राजन, श्राद्ध करने वाले पुरुष से विश्व देवगण पितरगण माता मह और कुटुंबी जन सभी संतुष्ट रहते हैं। हे भूपाल, पितरगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है भक्ति, और इसलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है यानी सत साधक को। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी 1 सहस यानी 1000 ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता है, यानी ब्राह्मणा का भी और उनका यजमान का भी सबका उद्धार कर देता है, पितरों की तो बात छोड़े। अपुण्यात्माओं यहाँ पर आप सब योगी हैं
और जो भक्त आपके यहां दान करता है वो आपको जमा रहा है, तो आपके पितरों का तो वह उद्धार हो जाएगा। ये सत्कर मान लियो, ये इतना गजब कारा मार्ग है। जो सत्य है वो तो इन्होंने ग्रहण की नहीं, इन्होंने असत्य ग्रहण कर ली। अपुण्य आत्माओं, जैसे वेद आपने रुचि ऋषि की कथा में देख लिया मार्कंडेय पुराण में, कि वेद में इसको अविद्या कहा है इस कर्म कांड को, और पितर भी मानते हैं क्योंकि वह भी ब्राह्मण थे, ऋषि थे। अरे वो नोके हमारी दुर्गति हो जाएगी, जय दूसरा आदमी निकाल लेगा। अब जैसे एक श्रद्धालु कहता है कि जैसे हमारे पिताजी दिखाई दे जा और वो कहें बेटा सुराध निकाल दे, तो हम क्यों नहीं निकालेंगे, निकालना तो पड़ेगा, कोई बात है यार। अपुनात्माओं, उसका तरीका है, जैसे किसी का बालक और कुएं में गिर गया, उसका वो तो चिल्ला रहा है डूब गया, उसका क्या इलाज है, गिल्ले डूब जा, डांक मार दे, छलांग लगा दे, वो भी मरे गिल्ले। उसकी विधि है उसको भी बचाने की, पहले रस्सी बांध एक ऊपर मजबूत सी, उसको नीचे डालो, उसको पकड़ के जा, उसने भी काट के लिया। तो ये पितर दिखाई दे जा रहे ऐसे कोई है तो उसका गेल नहीं डूबे, उस श्राद्ध ना नहीं करे, वो तो कुएं में छलांग लगाने वाली बात होगी, गिर ले मर गया। उसके लिए ये रस्सा है जो दास आपको देगा, ये सत भक्ति करो, इस तरह ये दान धर्म करो, और उन पितरा का वीर सब कहेंगे उद्धार अपने आप होता चलेगा, ये आपने पढ़ भी लिया। क्योंकि सत साधक ये भक्त हैं, या लाखों योगी जी में एक महीने के अंदर आकर के हैं, और फिर वो एक कह के जमाण में इतना लाभ बता रहे। तो ये तत्व ज्ञान और शास्त्र अनुकूल साधना, इसे आपका भी कल्याण और आपके पितरों का भी। अब जैसे आप जी ने अभी सुना कि वेद में इसको मूर्खा की साधना बताई है, तो बिल्कुल ठीक है। तो वेद क्या है, ये परमात्मा का विधान है, ये परमात्मा का आदेश है, और जो हमारे पुराणों में जो लिखा है वो पितरों का या ब्रह्मा जी का या किसी तरह से मंदालसा या कौन थी बता, इससे की बात ने साची मान ली, सब ने इसी तरह करने लगे, और या किसी अन्य ऋषि का दिया हुआ आदेश है, इसका पालन हमने नहीं करना। जैसे एक समय एक व्यक्ति की दोस्ती द्रोगा से थी, थानेदार से, SHO से, और उस व्यक्ति का जो साथी था पड़ोसी उसको बहुत दुखी कर रहा था। उसने अपने मित्र द्रोगा जी से कहा कि भाई द्रोगा जी, ऐसे ऐसे मेरा पड़ोस में है, साथ वाला मकान में, बहुत परेशान करता है, सारा कुछ कह लिया, पंचायत भी कर ली, नहीं मान रहा, क्या करूं। अब दुर्गा जी ने कहा उसका मार लट सर में, माफ देख लूंगा। दुर्गा जी की के आदेश न लेकर उसकी आज्ञा का पालन कर दिया। उसने ये सोच कर यू आप संभाल लेगा, उस अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा ठान लिया, लठम लट्ठा हो गया, उसका सर में लठ लग गया, वो मर गया पड़ोसी। अब वो SHO वहां का प्रभारी था, वो ले उसी को पकड़कर हवालात में दे दिया, सजाए मौत होगी उसकी। अब राजा का विधान था, किसी का लठ मारेगा मर गया तो उसकी सजा होगी मौत, और वो विधान तोड़ दिया उस व्यक्ति ने, अपने मित्र एक अधिकारी की आज्ञा का पालन कर लिया, जिससे राजा का विधान टूट गया, वो दंडित हुआ। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम भगतमती कुसुम। बहन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जिला खंडवा, तहसील हरसूद और किल्लोद ब्लॉक में नौकरी करती हूँ, तो मैं वही रहती हूँ हेडक्वार्टर में। बहन जी आप क्या करते हैं? मैं स्वास्थ्य विभाग में हूँ, LHV, लेडी हेल्थ विजिटर। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने 27 फरवरी 2014 में गुरु दीक्षा ली। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? संत रामपाल जी महाराज से गुरु दीक्षा लेने से पहले मैं दुर्गा जी की पूजा करती थी, भोलेनाथ गणपति ये देवताओं की भक्ति करती थी मैं।
बहन जी, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? क्योंकि मुझे किसी प्रकार के लाभ तो थे नहीं और मुझे कुछ जानकारी भी नहीं थी कि परमात्मा आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज सदगुरु रूप में। पर मैं क्या बताऊं, मेरे को हमारे गांव के एक देवेंद्र दास हैं जो पहले गए, वो बहुत शराब पीते थे, तो वो मैं हम लोग सब लोग हम 4-5 लोगों की ऐसी मेजोरिटी थी कि सब हम मांस मदिरा भी खाते थे सब, ये सब अच्छी चीज़ें नहीं थी, हमें बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज हमें इतने ऐसा लग रहा कि हमें मिले तो कितनी देर से मिले, हम इतने खराब आत्मा को कैसे मिल गए। पर जब वो लड़का वहाँ से होकर आया तो 1 हफ्ते से 2 हफ्ते हो गए वो हमें मिल ही नहीं रहा था और बड़ा शरीफ बना हुआ घूमता था, तो हम बोले कि क्यों तू सुधर कैसे गया, आया नहीं आज तो अपना शुक्रवार है शनिवार हमारे शुक्रवार का बाजार लगता है, तो बोले कि नहीं नहीं भाई अब तो मैं कुछ आने वाला नहीं हूँ और अब ये किताब लो ज्ञान गंगा और इसमें पढ़ लो, इसमें 21 नियम हैं, यदि समझ में आती है तो आप भी गुरु दीक्षा ले लेना। मैंने बोला ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आज इतने सालों से मेरे को वहाँ 12 साल हो गए, 12 साल से देख रही कि तू तो 24 घंटे नशे में रहता है और तू कैसे सुधर सकता। तो बोले कि नहीं नहीं पर अब मेरी तो कुछ इच्छा नहीं होती है शराब वराब पीने की, तो हमें विश्वास बिल्कुल नहीं हुआ। फिर हमारे यहाँ पल्स पोलियो का कार्यक्रम चला तो हम वहाँ बैठे, हमने उसका पूरा वॉच किया कि ये कहीं जा रहा है चुपचाप से, बीड़ी सिगरेट तो नहीं पी रहा या कुछ खा नहीं रहा कि कुछ कर रहा, हमने देखा वो कुछ किसी काम में नहीं था, उसका मेडिकल है, वो मेडिकल की दुकान पे उसकी दवाइयाँ बेच रहा। हमने पूरे 3 दिन तक उसे वॉच किया तो बिल्कुल हमें तो वो कुछ भी खाते पीते या ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। फिर हमने कहा कि हमको लेकर चल, हम तो ये चाहते हैं कि तेरे जैसे हम सब सुधर जाए, तो बोले कि पहले तो तुम खा लो 1-1.5 महीने तक, अब मैं 1.5 महीने बाद जाऊँगा। तो हमने कहा कि 1.5 महीने बाद क्यों, हमें एक बार दिखा दो फिर हम आपको, कोई जरूरत नहीं, मैं तो कोई कोई किताब नहीं पढ़ी, मैंने कुछ भी नहीं किसी से पूछा कुछ भी नहीं, और मैंने बस वो 21 नियम मैंने बोले ऐसे कौन से जरा बता दो बस। तो एक पहले पन्ने पे लिखे थे संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बताए हुए जो निर्देश थे वो हमने पढ़ लिए, हमने कहा हम तो जाएंगे संत रामपाल जी महाराज की शरण में जरूर जाएंगे, अब हमको लेके चलो। हम 1.5 महीने तक उनके पीछे लगे रहे कि बेटा हमको लेके चलो, तो फिर हमको एक बार वहाँ गए, वहाँ जाकर आश्रम में तो वो सब उन्होंने इधर हमारा बोरिया बिस्तर इधर रखवा लिया था। फिर अंदर गए हम और संत रामपाल जी महाराज ने टीवी के माध्यम से हमें गुरु दीक्षा दी। अब हम देखे नंबर में लगे, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा हमें आशीर्वाद दिया गया और उसी दिन से उसी समय से हमने ये सब हमारे मन ये सब कुकर्म जो भी सब ये हमारा निकल गया। हमने आज तक सुपारी भी नहीं खाते, हम संत रामपाल जी महाराज का हमारे ऊपर बहुत आशीर्वाद मालिक ने दिया इस गंदी आत्मा को। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप बहुत ज्यादा नशा करती थी और मांस भी खाती थी, आपने बहुत कोशिश की लेकिन आपका नशा नहीं छूटा, फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपका नशा एकदम से छूट गया, तो संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसी कौन सी दवाई दी या शक्ति दी कि आपका नशा एकदम से छूट गया? संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्र विधि अनुसार हमें भक्ति मार्ग के जो मंत्र दिए हैं और जो ब्रह्मा विष्णु महेश गणपति जी और दुर्गा जी ये सारी हमें संत रामपाल जी महाराज ने मंत्र के द्वारा शास्त्र विधि से बताया कि ये नियम के अनुसार ये मंत्र जाप करना है, तो हमने नियम के अनुसार सारे नियम फॉलो कर रहे हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते, ये संत रामपाल जी महाराज जानते हैं, पर हम संत रामपाल जी महाराज के बताए अनुसार हम भक्ति कर रहे हैं, हमें इतने लाभ हो रहे हैं कि हर क्षण मुझे तो लाभ हो रहे हैं। बहन जी, हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको अनेक प्रकार के लाभ होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? मुझे तो बहुत लाभ हुए और हर क्षण लाभ होते हैं, मेरा एक दिन तो मिक्सर में हाथ घूम गया, मेरा हाई ऐसा पूरी इसे उंगलियां मेरी कट गई इस तरह से और ऐसा हाथ मेरा पूरा बाहर झटके से चले गया, पर मैंने कहा हे संत रामपाल जी महाराज मैं है ना आपके ऊपर इतना विश्वास करती हूँ ये आप ही जानते होंगे, तो संत रामपाल जी महाराज का नाम लेती हूँ, मैंने कहा अब मैं है ना अब मैं आँख खोलती हूँ मेरे उंगली जुड़ी हुई होना चाहिए, क्योंकि ये मुझे पूरा पता था कि मेरी उंगली इसके अंदर कट गई है, पर मैंने जैसे मालिक का नाम लिया संत रामपाल जी महाराज का कि मेरे उंगलियों को देखा फिर
तो संत रामपाल जी महाराज की इतनी कृपा थी कि बिल्कुल मेरी उंगलियों को बस एक मामूली सा कट लगा था तो जिसमें से थोड़ा ब्लड आ रहा था तो वो 8-10 दिन में ठीक हो गई। मैंने उसको दवाई वगैरह लगा के और बस संत रामपाल जी महाराज की कृपा ऐसी कि मेरे को वो मेरी उंगलियां भी नहीं कटी, नहीं तो मेरा तो पूरी उंगली ही कट जाती। एक दिन मैंने प्रेस को चालू प्रेस को मैंने हाथ में ऐसे पकड़ लिया पर मुझे इतनी नहीं लगी, ये जोर से ज़्यादा गर्म नहीं लगा, नहीं तो वो तो चालू प्रेस से करंट लग जाता मुझे। और संत रामपाल जी महाराज द्वारा हर क्षण लाभ मिल रहे हैं और अनेकों लाभ मिल रहे हैं। मकान भी मालिक की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि संत रामपाल जी महाराज इतनी बड़ी कृपा कर देंगे मेरे ऊपर, क्योंकि हमारे पास तो आर्थिक इतना कुछ था भी नहीं, एक ही कमाई पे इतना चलता। तो संत रामपाल जी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि बहू को भी नौकरी लग गई, इधर मकान इतना बड़ा बना और पानी तो ऐसा निकला बोरिंग में। बस मैंने बोली संत रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ की जय हो, तो ऐसा बोल के वो बोरिंग में इतना पानी निकला, क्योंकि एक व्यक्ति ने कहा इसमें तो पानी निकल ही नहीं रहा, अब तो 20 फीट हो गए, 30 फीट हो गए। तो मैंने बोला कि हे संत रामपाल जी महाराज, ये लोग ऐसा बोल रहे हैं और मैं आपकी भक्ति करती हूँ, ये मेरे को हंस रहे हैं, मालिक इनके हंसी को बंद कराओ, ये इसमें पानी आना ही चाहिए। तो वो बोरिंग, सबसे पहले बोरिंग इतना पानी, पूरे हमारे रामनगर में पानी किसी के यहाँ नहीं आया होगा जितना हमारे यहाँ घर में, इतना पानी बस 40 फीट के दूरी पे कि बस कभी हमने 450 फीट बोर करवाया। तो बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की दया बहुत है और हर क्षण हमें तो लाभ मिलता। मेरे को थायराइड की मैंने जांच करवाई, क्योंकि 20 साल से मुझे डॉक्टर बताते थे कि आप थायराइड की जांच कराओ, आप थायराइड की जांच कराओ। मैं जब भी जाती थी, कुछ भी दिखाना हो, सर्दी खांसी कुछ भी सब, तो बस देखते से बोलते थे अरे तुम थायराइड की जांच करा लो पहले। तो मैंने नहीं कराई, पर संत रामपाल जी महाराज की कृपा ऐसी हुई, एक दिन मेरे को योग आया और मैंने करवाई ली जाँच। तो वो जांच में बिल्कुल सब नील रिपोर्ट आई, कोई भी मुझे तकलीफ नहीं निकली किसी प्रकार की। मेरा एक दिन एड़ी के दर्द के कारण मैंने ऐसी सरकारी हॉस्पिटल में हमारे वो जांच करवा ली शुगर की, 246 शुगर निकली और बिना कोई गोली दवा खाए मैंने हर दिन जांच कराई। संत रामपाल जी महाराज से मैंने कहा है मालिक मुझे तो किसी भी प्रकार से ये शुगर उगर मेरे को कोई जैसी बीमारी पसंद नहीं है, तो आप मेरे को ठीक कर दो, मैं कोई दवाई भी नहीं खाना चाहती। संत रामपाल जी महाराज की कृपा हुई, हर एक दिन के आड़ करवा ली 46 46 46 से 3 दिन तक कम हो गई और नॉर्मल मेरी शुगर हो गई, मेरे को वो भी लाभ। मेरी बेटी के यहाँ भी 3 साल शादी को हो गए थे, मैंने प्रार्थना करी संत रामपाल जी महाराज मेरी बेटी के यहाँ भी आपके आशीर्वाद से बच्चे हो जाए। तो संत रामपाल जी महाराज की कृपा बरसी, वो भी गुरु दीक्षा ली है उसने, सतनाम मिला है उसे भी, उसे एक बेटी और एक बेटा, 2 बच्चे हैं उसके। और डॉक्टर ने तो बिल्कुल इन्हें ऐसा कहा कि इसको सुबह देखेंगे जब उसको पहली डिलीवरी के टाइम पे, पर उसको आधे घंटे में ही डिलीवरी हो गई बिल्कुल नॉर्मल, और संत रामपाल जी महाराज की कृपा से बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हुई। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं तो एक बहुत ही ऐसी तुच्छ प्राणी हूँ, मैं क्या संदेश दूंगी, बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि टीवी के माध्यम से हर गांव में गुरु दीक्षा दी जा रही है, इसलिए संत रामपाल जी महाराज से गुरु दीक्षा लेकर और आप अपना कल्याण करवाइए। धन्यवाद जी, सत साहेब। आप सुन रहे थे जग